लेकिन अब इनके पास 60 जो है ना वो है ना बिल्कुल रेडी है जो एग दे रही है। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुर्गों की क्रू क्रू ये नहीं सांस लेने दे रही। सेटअप है बकरियों का और बेड़े भी रखी हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ना ये आप देखें ये सारे चिक्स हैं 100 इन्होंने चिक्स जो है वो लिए थे लेकिन अब इनके पास 60 जो है ना वो है ना बिल्कुल रेडी हैं जो एग दे रही हैं। तो अब वो धो लिया भैंस का तो अभी ये हमको दिखाते हैं अपना सेटअप। मैंने उसे कहा तू डुब के मर जा फिर। ये स्पेशल जो है ना वो बॉडीगार्ड रखा हुआ है गुज्जर साहब ने ये आप देख सकते हैं गुलटेर है। डॉन ने इसको कहा बैठ जा और ये बैठ गई है। और आपको एक सरप्राइज वाली बात बताऊं कि ये जो है ना पंजाब की शहजादी इसका नाम रखा हुआ है और ये प्रेग्नेंट है। ये तकरीबन आन करीब एक माह बाद जो है ना इसके बेबी आ जाने हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो खुदा के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज एक नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हमको आपको दिखाने वाले हैं ये हमारे शफकत गुज्जर साहब हैं। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते। ये उनका सेटअप है जहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे ये समझ लें कि उन्होंने एक केज बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ पे उन्होंने भेड़े भी रखी हुई हैं, बकरियाँ भी हैं और साथ उन्होंने जो है ना वो 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। 100 थी लेकिन अब 100 नहीं है। आओ आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देखें ये सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने, ये सामने मुर्गियां हैं लेकिन अब इनके पास 60 रह गई हैं, 60 मुर्गियां रह गई हैं, बाकी कह रहे हैं जी हमने सेल कर दी हैं। ये दिखाएं ये इनके पास भेड़े हैं वो भी जो है मुंदरी हैं, सारी मतलब सारी अलग क्वालिटी की हैं। अच्छा जी फरूक साहब हमारे पास हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अभी इनके पास कितनी मुर्गियां हैं और कितना सेटअप इनके पास बाकी है। कितनी मुर्गियां आपके पास हैं? हमारे पास सर इस टाइम जो है 40 मुर्गियां हैं और 10 मुर्गियां हैं। ले जी 40 मुर्गियां और 10 मुर्गियां हैं। तो कितने अंडे डेली के आते हैं? तकरीबन 20 को आ रहे हैं। 20 अंडे डेली के हैं, 20 अंडे हैं जी। लेकिन ये है कि ये जो है ये जो अंडे हैं ना ये फीड के अंडे नहीं है, ये घर का उनका दाना है। अगर आप फीड इस्तेमाल करें तो 40 मुर्गियां कम से कम 30 अंडे लाजमी देंगी। मैं जो फीड है वो अंडों की मकदार को ज़्यादा कर देती है जबकि देसी स्टाइल में जो है ना वो मुर्गियां कम अंडे देती हैं। यही बात है जी। अच्छा जी अब आपको क्लोजली दिखाते हैं, जाके थोड़ा सा अंदर आ जाओ जी। लो जी अभी हम जाने लगे हैं और कैमरा मैन भी हमारा साथ ही है। ये है जी मुंदरा, ये मुंदरी, ये फीमेल है और ये मेल है जी मुंदरा। देखें कितना खूबसूरत है ये, इसकी आईज जो है वो ब्लैक है और माशाल्लाह। तो यहाँ ओपन भी सारा दिन ये ओपन रहती हैं और ये इनका जो है ना वो वाकई इन्होंने केज बनाया हुआ है लेकिन फिलहाल ये ओपन ही रहती हैं सारा दिन। यहाँ पे इनको जो है ना वो मतलब ये चारा वगैरह जानवरों का खाती हैं, उसके अलावा जो है ना वो इन्होंने जो देसी दाना बनाया हुआ है ना वो ये वो खाती रहती हैं। ये देसी चारा जो अभी इनको हम देने लगे हैं उसके बाद ये सारी एक जगह जमा हो जाएंगी। चिक्स हैं ये और ये माशाल्लाह ये देखें है भी सारे हेल्थी, इनमें कोई भी जो है ना वीक यंग बीमार नहीं आपको नजर आएगा। और एक और आपको मजे की बात बता दूं कि इसके साथ ही जो है ना इन्होंने ब्रीडिंग का भी वो निज़ाम बनाया हुआ है। यहाँ पे एक हैं जो है ना वो उन्होंने एग पे बिठाई हुई है एग हैचिंग के लिए, जिसके जो है ना वो बच्चे आ जाएंगे। ये आप देखें वो पड़े हैं एग और ये है ना ये अभी एग पे नहीं बैठी हुई लेकिन इन्होंने जो है ना ये हैचिंग का निज़ाम ही अंदर बनाया हुआ है। ये देखें आप मतलब ये जो है ना इनका टोटली सेटअप यहाँ पे, यहाँ से ये चिक्स की पैदावार है और यहाँ से ये सेल करते हैं। फरूख साहब बता रहे थे कि जी जो है ना डेली एक दिन में हम 3-4 मरतबा जो है ना अंडे उठाते हैं, तो अभी आपको बताएंगे कितने अंडे उठाते हैं ये एक दिन में और कितने अभी मौजूद हैं यहाँ पे आपके सामने। भाईजान देखिए सुबह मैंने तकरीबन 12 बजे 18 से 20 अंडे जो उठा लिए थे। अच्छा जी 18 से 20 अंडे एक दिन में उठा लिए हैं। अब कुछ मुर्गियां जो दो दो अंडे देती हैं। सही है, अगर आपका कैमरा जा सकता है वो सामने माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह अभी भी 6-7 अंडे जो है ना अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आज की रूटीन में आपके जो है ना वो 25 अंडे हो गए हैं। 25 अंडे हो गए माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह मेरे।
अच्छा जी, बिकॉल फरूक साहब के जो है ना 25 अंडे आज एक दिन में हुए हैं, तो 25 अंडों की आप प्रॉफिट लगाएं तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो 1000 रुपीज बन जाती है। 300 रुपया खर्चा निकालने के बाद भी आपको जो है ना वो 700 रुपया जो है वो प्रॉफिट बचती है। सारी जो है ना वो ओपन करके भी दिखाई है उन्होंने, ये देखें ये जो है ना यहाँ पे सारा दिन ओपन रहती हैं, और अभी इनको जो है ना वो बंद कर रहे हैं केज में क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। तो ये पहले ही बांध थी लेकिन इन्होंने वक्ती तौर ओपन किया है, इन्होंने कहा कि आपको दिखाएं हम। ये आप देखें माशाल्लाह कितनी तंदुरुस्त है और हेल्दी हैं सारे ये सारे चिक जो है ना। अच्छा जी, नफे और नुकसान की बात करें तो मुर्गियों के कारोबार में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा, अगर नुकसान की बात करें तो वो भी नुकसान भी बहुत ज़्यादा क्योंकि कुछ समझ नहीं आती कब नुकसान हो जाए। लेकिन इन्होंने तो 100 चिक्स के साथ कारोबार शुरू किया था, अभी बाकी इन्होंने सेल कर दी हैं, इनके पास अभी सिर्फ रह गए हैं 60, इनमें 50 हैं और 10 जो है ना वो मेल है, 50 फीमेल है। फिर भी एक दिन की इनकी जो प्रॉफिट है ना वो 700 से 800 रुपये है टोटली खर्चा निकाल के, तो मंथ के हिसाब से आप निकाल लें तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये जो है ना वो इनकी प्रॉफिट है अगर आपके पास 50 से 60 जो है ना वो चिक्स हैं। तो लाख के बारे में बताना चाह रहे हैं जी फरूक साहब, ये देखें जान भाई ये जो लाख है ना ये प्योर है, बिल्कुल चाइना का प्योर क्वालिटी का ये चाइना से मंगवाया है, जिस तरह मर्जी से ऐसे करके अब ये लाख हुई है, ये फिर खुलता नहीं जो मर्जी हो जाए। वाह जी वाह, ये देखें और ये जो है ना ये जो सलवार फट गई थी ना उसका नाला बांधा हुआ है। अच्छा जी, ये जो पंजाब की शहजादी है ना इसके बारे में फरूक साहब से कुछ पूछते हैं। सर पंजाब की ने ये अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने मुझे गिफ्ट की है, माशाल्लाह जी ये असली है, बहुत हेल्दी है ये कुत्ती, एक मर्तबा खुल जाए फिर सर ये काबू नहीं आती, ये बहुत क्लेवर है, फिर तो बहुत क्लेवर है, बहुत ही मैच्योर है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये। माशाल्लाह जी, तारीफे आपने सुन ली है इसकी, और ये है गल्टेर नस्ल में, वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो अन करीब इसके जो है ना वो पप्पी भी आ जाएंगे, तो पप्पी की कीमत क्या लगी है? एक ही तकरीबन लग गया 20,000। लें जी, ये जिसकी इसकी जो है ना ये एडवांस बुकिंग हो चुकी है कि एक इसका जो पप्पी है ना वो 20,000 में सेल होगा, तो अगर कोई खरीदना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है क्योंकि ये एक माह तक जो है ना इसके पप्पी आ जाएंगे, इसके बच्चे आ जाएंगे, लेकिन एडवांस में उनकी कीमत जो है ना वो लग गई है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है ना बैफलो भी रखी हुई है, ये इसका जो है ना बेबी भी है, ये देखें, और ये भैंस है, और ये गुज्जर साहब आ रहे हैं जी, आज आपको जो है ना वो मुकम्मल डिटेल साहब हैं भाई जान। सही है स्पियान भाई, ये डॉक्टर साहब है, मैं मेरी भैंसों को जो बीमारी हो कोई भी सही है वगैरह लगाते हैं तो आराम आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब का नाम क्या है आज? अबू बकर साहब, अबू बकर भट साहब जी, ये जो है ना ये वेंट्री के डॉक्टर है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अच्छा जी दोस्तों, तो जैसा कि आज आपको हमने बताया है 50 मुर्गियों के बारे में, उनके टोटली इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।